हाय फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगनर हैं यानी शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 या 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो दोस्तों शेयर्स की रिसर्च करना, उनको एनालाइज करना, वो सारी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स, ये तीनों लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो आप ऐसे केस में एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें कंसिस्टेंटली अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा 5 साल से ज्यादा पीरियड में बना लेंगे। अब बात ये आती है कि अच्छा म्यूचुअल फंड किस तरह से ढूंढा जाए और उसमें क्या क्या चीज देखनी होती है, तो ये वीडियो आज का दोस्तों इसी चीज के बारे में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको इसे पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू में चले गए तो मान के चलिए कि आप इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर जाएंगे। और हाँ, हमेशा की तरह मैं इसके लास्ट में आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल वेल्थ एंड फाइनेंस की टिप भी देने वाला हूं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखें और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है उसमें हमें इन्वेस्ट करना है तो पहली स्टेप क्या होनी चाहिए हमारी। तो दोस्तों पहली जो स्टेप है वो होती है हमारी कि म्यूचुअल फंड में हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या फिलोसोफी लेके चल रहे हैं, मतलब हमें किस टाइप का फंड में इन्वेस्ट करना है। तो अभी यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरीज होती है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कोई सी भी जो भी वेबसाइट आप जा रहे हैं उस पर फंड्स की स्क्रीनिंग पे। तो देखिए, जैसे आप एक फंड्स की स्क्रीनिंग पर आ गए हैं, अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर अपने क्राइटेरिया को फिल करना है कि आप किस टाइप के फंड को देखना चाहते हैं। तो आपको रेटिंग देखनी है, फंड का यूनिवर्स देखना है। तो देखिए दोस्तों, फंड हो सकते हैं ओपन एंडेड फंड हो सकते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स हो सकते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है कि ओपन एंडेड फंड वो होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप उसमें से निकल सकते हैं और फिर कभी भी वापस आ सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड फंड्स वो होते हैं जिनमें एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया या एक बार उसकी जो डेट निकल गई उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे फंड्स एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं, इसलिए आप बाद में ट्रेडिंग के थ्रू भी इसमें एंटर कर सकते हैं। दूसरे दोस्तों, फंड्स की कंपनीज है, ये अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जिनके नाम यहाँ देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होना चाहिए। तो फंड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक वो होते हैं जो आपको इनकम देते हैं, दूसरे होते हैं जो ग्रोथ देते हैं। अब इस बात को एक बार समझ लेते हैं। इनकम वाले जो फंड होते हैं दोस्तों, उसमें क्या खास बात होती है कि ये क्या करते हैं कि आप ये फंड्स बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो भी अमाउंट है उसको अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर 1, शेयर 2, शेयर 3, ठीक है। अब इन शेयर्स में से जो डिविडेंड मिलता है, क्योंकि कंपनीज अक्सर डिविडेंड देती हैं, तो डिविडेंड का दो तरीके से यूज हो सकता है कि कुछ फंड वो होते हैं जो इस डिविडेंड का क्या करते हैं, इसको सीधा जो फंड होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कि मान लीजिए 10 शेयर्स हैं और उनसे सपोज करिए 100 रुपये का डिविडेंड आया, तो वो 100 रुपये ये उठा के फंड होल्डर्स जो है, जैसे कि आपके आप या हमारे जैसे लोगों में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में 2 रुपये आया, तो 2 रुपये आपका क्या हुआ, आपकी इनकम हो गई। इसी तरह से दूसरे टाइप के जो फंड्स हैं दोस्तों, वो हैं जो कि ग्रोथ फंड्स हैं। अब ग्रोथ फंड्स की खास बात क्या होती है दोस्तों कि इनमें आप जो डिविडेंड मिलता है उस डिविडेंड को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती फंड होल्डर्स में, बल्कि इसको क्या कर देती है, इसको री इन्वेस्ट कर देती है। अब री इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपये की फंड वैल्यू है और उसमें मान लीजिए कंपनीज ने 10 रुपये का आपको डिविडेंड दिया, तो अब ये क्या करती है, इस 10 रुपये को भी यहाँ पर इन्वेस्ट करके 110 रुपये के शेयर्स ले लेती है। तो इस तरह से जो भी डिविडेंड आता है वो इसमें ऐड होता जाता है। इसका फायदा दोस्तों ये है कि आपकी फंड वैल्यू बढ़ती जाती है इसमें। तो देखिए, अगर आप ऐसा है कि आप रिटायर्ड पर्सन हैं और हर महीने आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए जिससे आप अपना घर का खर्चा चला सकें, तो आपको लेना चाहिए इनकम फंड। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वो तेजी से ग्रो करता रहे और आप उसे निकाले नहीं बल्कि उसको बढ़ाते रहे, तो अगर आपको
साधारण मनी से वेल्थ क्रिएट करनी है, यानी कि धन संपत्ति इकट्ठी करनी है, तो आपको उस केस में ग्रोथ फंड लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारी कि कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए, कैटेगरीज बहुत तरीके की हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड की होती है, और बैंकिंग की हो सकती है, और ये इक्विटी की है, फंड ऑफ फंड्स, बहुत सारी कैटेगरीज है। बट मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो फंड की कैटेगरी ना दो कैटेगरीज होती है। एक होते हैं डेट फंड और दूसरे होते हैं इक्विटी फंड्स। नॉर्मली ये दो है। अब डेट फंड्स में गवर्नमेंट डेट हो सकता है, इसमें कोई कॉर्पोरेट डेट वाली कंपनीज हो सकती है, और भी लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं। इक्विटी की बात करें तो इसमें लार्ज कैप इक्विटी हो सकती है, इसमें मिड कैप हो सकता है, इसमें स्मॉल कैप हो सकते हैं, इसी में लार्ज कैप के अलावा सेक्टोरियल फंड्स हो सकते हैं, जैसे आईटी फंड हो गया, जैसे इंफ्रा फंड हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे फ्लेक्सी फंड हो गया, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं। अब बात आती है कि इन कैटेगरीज के बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वो है कि ऑनगोइंग चार्जेस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। चार्जेस दोस्तों, इनको कहते हैं एक्सपेंसेस। तो ये वो खर्चा है जो आपको जो भी रिटर्न मिलता है उसमें से फंड मैन जो हाउस है वो आपको खर्चा काट करके फिर आपका रिटर्न आपको देता है। यानी अगर मान लीजिए आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है, आपके फंड की जो ग्रोथ है वो 10% हुई है, तो 100 रुपये अगर आपने डाले थे तो आपके 110 रुपये हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि जो फंड हाउस है, मान लीजिए उसका खर्चा 1 रुपया है या 1% है, तो वो क्या करेगा, 100 रुपये में जो 10 रुपये बन करके आपको 110 रुपये मिलने वाले थे, उसमें से अपने एक्सपेंसेस को काट के आपको 109 रुपये देगा। तो ये जो है, ये क्या है, ऑनगोइंग चार्जेस, ये है एक्सपेंसेस। फिर मैनेजमेंट स्टाइल है, वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पर अभी सीधा चलते हैं फंड्स पे, और अब हम ये देखते हैं कि फंड्स को एनालाइज कैसे किया जाए। तो देखिए, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने फंड लेना है, कौन सा हम ले लेते हैं, सबसे पहले एक फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मिड कैप का कोई फंड उठाते हैं, इक्विटी का। जैसे इक्विटी का है, आप ले लीजिए यहाँ से, ये कितने सारे इक्विटी इक्विटी के फंड्स हैं, लार्ज कैप एंड मिड कैप। ठीक है, इसमें इस कैटेगरी को लेते हैं और हम इसमें देखते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप में कौन कौन से हैं। देखिए, ये सारे दोस्तों फंड्स आ गए लार्ज कैप एंड मिड कैप में। अब हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले कि इनकी प्राइस क्या चल रही है, लास्ट प्राइस क्या थी, यील्ड कितनी है, चार्जेस कितने हैं, मॉर्निंग स्टार कैटेगरी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो अब इनमें से दोस्तों कोई सा भी एक फंड उठा के और उसको हम एनालाइज करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम देखें कि इसकी इनमें से सबसे सस्ता फंड कौन सा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, रिटर्न हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन फंड का जो एक्सपेंसेस है ना वो फिक्स रहते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे फंड खरीदने में इंटरेस्टेड रहें जिनके एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, 0.56 और 0.49। तो 0.49 वाला जो कैटेगरी है उसको हम पकड़ते हैं। ये कौन सा है, ये है दोस्तों कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ देखिए, आपकी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। और इसमें जब हम लोग, जब तक ये ओपन हो, तो मैं बता देता हूँ आपको कि एक चीज दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि जब भी फंड खरीदना हो तो उसमें ऐसा ना हो कि हम पुराने रिटर्न्स को देख करके फंड खरीदें, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है कि 10 में से 9 लोग पुराने रिटर्न्स को देख करके फंड खरीदते हैं कि इस फंड ने 16% रिटर्न दिया है, इसने 15% दिया है, इसने 10% दिया है, तो 10% वाले को कोई नहीं खरीदता। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप मान के चलिए कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है। इसलिए हमेशा आप सबसे पहले ये देखिए कि फंड का खर्चा किसका कम है, एक्सपेंसेस सबसे कम किसके हैं, क्योंकि रिटर्न जो है वो चेंज हो सकता है, पर एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। सो पहली चीज आपने ये वाली देखनी है। अब दूसरी बात है कि उसके बाद क्या देखेंगे अपन, देखिए अब ये फंड की डिटेल यहाँ पर खुल गई है। तो
तो इसको मॉर्निंग स्टार ने कैटेगरी में 4 स्टार्स दिए हैं, तो इस पे भी नजर आपको डालनी है। फिर फंड के बारे में बेसिक चीजें और देख लेते हैं हम लोग कि इस फंड में ये देखिए प्रोसेस इसका अबव एवरेज है, पीपल अबव एवरेज है, ये अबव एवरेज है। फिर इसकी जो आप देखेंगे और रिटर्न ये यहाँ रह गए, टोटल एसेट्स दोस्तों 137 बिलियन है, ये भी कम रहे तो अच्छा है, जितना छोटा फंड होगा उतना अच्छा है, बड़े फंड्स के बड़े प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए लो या स्मॉल साइज इज गुड। तो हमेशा फंड क्या करें, स्मॉल साइज के लेने की कोशिश करें। कैटेगरी है आपकी मिड कैप की, लार्ज एंड मिड कैप की, और TTM जो है वो, और ये सब आप छोड़ दीजिए, TTM यील्ड को नहीं देखना अभी। और अभी हम क्या देखेंगे कि इसके मिनिमम इनिशियल इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं, 100 रुपये कर सकते हैं, टर्नओवर कितना है 12%। अब नीचे आते हैं, नीचे आकर के आप देखें तो दोस्तों सबसे पहले आप जाइए और इस चार्ट में देखिए कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो और पूरे के पूरी जो कैटेगरी है उसके मुकाबले इन्वेस्टमेंट कैसा रहा है। तो जो फंड है वो है ब्लू कलर की लाइन, तो इसका इन्वेस्टमेंट अच्छा है। ये है आपकी कैटेगरी की लाइन कि जो कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप वाली है उस कैटेगरी में बाकी सारे फंड्स का क्या रिटर्न रहा है, और उसके बाद में ये वो इंडेक्स है जिसको कि ये फॉलो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मिड कैप इंडेक्स को फॉलो करते हैं, अगर निफ्टी मिड कैप, NSE मिड कैप इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से उसके रिटर्न के मुकाबले इनका चार्ट कहाँ है। फिर इसके बाद में आप ये देखते हैं कि इसमें ये पूरा आप देख सकते हैं 2013 से दोस्तों 2022 या यहाँ तक, ईयर टिल डेट यानी आज तक इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि इस फंड ने रिटर्न दिया है इस तरह से, और कैटेगरी में रिटर्न आया है इस तरह से। तो देखिए 2015 में इस फंड ने कैटेगरी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है और इंडेक्स से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन आगे जाके देखोगे तो कहानी आपको दूसरी टाइप की नजर आएगी। जैसे यहाँ निगेटिव हो गया रिटर्न कि कैटेगरी इंडेक्स ने सिर्फ 0.74 का निगेटिव रिटर्न दिया और इसने 4.46 का नेगेटिव रिटर्न दिया, तो इसलिए आपको हमेशा रिटर्न के आगे जाके देखना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट चीज़ देखनी है कि इसका जो पोर्टफोलियो है फंड मैनेजर ने असेट्स को किस तरह से एलोकेट कर रखा है। तो देखिए 98.67% दोस्तों इन्होंने किस में लगा रखा है, इक्विटी में। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इनकम में इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रेफर्ड शेयर्स में नहीं है, कन्वर्टिबल्स में नहीं है, कैश में इन्होंने 1.33% डाल रखा है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो देखिए जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस हल्का सा यहाँ है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्होंने 98.67% इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप नीचे जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो कैटेगरी जो है उसमें आप ये देखेंगे ये वाली कैटेगरी किस में आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लार्ज कैप और ग्रोथ इसमें मैक्सिमम फोकस है इसका, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें तो यहाँ नीचे और नीचे आइए और ये सब फंड की बाकी डिटेल्स दे रखी है, कौन कितने दिनों से काम कर रहा है, कंपनी के लोग कैसे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको उस सब से हटके यहाँ देखना है दोस्तों। ये है इसका पोर्टफोलियो, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो देखिए इसने ICICI बैंक में अपनी 4.7% इसने डाल रखा है, सबसे पहले 2010 में खरीदा था और उसके बाद में शेयर्स में जो चेंज हुआ है वो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। तो 1 ईयर में रिटर्न कितना दिया है ICICI बैंक ने, 29.55%, और इसका फॉरवर्ड PE जो है यानी आने वाले टाइम के हिसाब से 18.98% है। इसी तरह से इस कंपनी ने स्टेट बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, एक्सिस में कर रखा है, तो आप ये देखिए कि 4, 4 और 4 यानी कि 12 और 1 करीब करीब 13% जो फंड है वो तो दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में ही है, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। नेक्स्ट इन्होंने ITC में कर रखा है और मारुति सुजुकी में कर रखा है, लार्सन एंड टुब्रो में है, रिलायंस इंडस्ट्री में इनका 2.96% है, भारत फोर्ज जो कि फोर्जिंग का काम है, जो लोहे की चीज़ों को ढालने का काम करती है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो डिफेंस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, और कमिंस इंडिया, ये सारी चीज़ों में भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रखा है। देखो अब इसकी खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में कर रखे हैं, तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि इससे आगे आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो अब आप ही देखिए,
अब इन्होंने मिड और स्मॉल कैप की कंपनीज ले रखी है, जैसे लिंडे इंडिया है, SRF है, HDFC तो अब रहा नहीं क्योंकि ये बैंक बन चुका है, तो इसको आप बैंक में काउंट कीजिए। इन्फोसिस में 2.23% डाल रखा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसने 1% इसमें डाल रखा है। ओ माय गॉड, अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के सारे ही शेयर, मतलब कि 73 स्टॉक्स, आप ये सोचिए इसमें 73 स्टॉक्स है, तो इसको हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो बेस्ट जो फंड होते हैं ना, उनमें होते हैं करीब 15-30 स्टॉक्स के आसपास में, अगर इतना है तो वो आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है, पर इसकी जो रिटर्न्स है वो टू मच डाइल्यूटेड है। रिटर्न्स क्या हो गए इसके? डाइल्यूटेड हो गए। डाइल्यूटेड का मतलब कि जो जितने अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए थे ना, वो इतनी सारी कंपनियों की वजह से काफी हद तक एवरेजिंग होके कम हो गए हैं। तो दोस्तों वो एक ज्यादा अच्छी बात नहीं है, बट आपको फंड की रिसर्च इस तरह से करनी होती है। इसके अलावा अगर आप इसकी फैक्ट शीट देखें तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ इसकी फैक्ट शीट आ जाएगी। और इसमें आप ये देख सकते हैं फंड की पूरी डिटेल दे रखी है कि ये फंड किस तरीके का है, इसमें कौन सी चीजों में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये फंड का ऑब्जेक्टिव आ गया, ये इसके रिस्क मीटर आ गया, ये इसके रिटर्न्स आ गए, ये इसकी मैनेजमेंट स्टाइल आ गई, ये एसेट एलोकेशन आ गया, ये मेजर जो कंपोनेंट्स है पोर्टफोलियो के वो आ गए हैं। कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है? बेसिक मटेरियल्स में, सिक्लिकल्स में। तो 54% तो इनका सिक्लिकल्स में। अभी सिक्लिकल वो होते हैं जो सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे कि आपके सीमेंट स्टॉक होते हैं, जैसे पेंट के स्टॉक्स हैं, इस तरह से। और दूसरी बात, वर्ल्ड वाइड इन्होंने दे रखा है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों ये फैक्ट शीट भी आपको जरूर देखनी चाहिए। जब इस तरह से आप देखेंगे तो आपने देखा कि इस स्टॉक में, इस फंड में बाकी सब कुछ ठीक है, एक्सपेंसेस भी कम है, लेकिन इनके पास में बहुत सारे स्टॉक्स में फंड मैनेजर ने पैसा डाल रखा है, तो वो एक नेगेटिव चीज है, बट अदरवाइज फंड के एक्सपेंसेस कम है, ये एक अच्छी चीज है। तो दोस्तों इस तरह से आप फंड को और फंड्स को स्टडी करके और कंपेयर करके सही डिसीजन ले सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपका पैसा बिना कोई रिस्क लिए, ज्यादा टेंशन लिए बगैर अपने आप ग्रो करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, और आप अगर वाकई में नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों ये हम आपको एक डिस्क्लेमर मैं आपको जरूर दूंगा कि ये वीडियोस जो बनाए जाते हैं हमारे चैनल पे, वो एजुकेशनल पर्पज से बनाए जाते हैं, ताकि आप सही चीजों को सीख के अपना डिसीजन ले सकें। किसी भी फंड को या स्टॉक को रिकमेंड करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या सोच के समझ के अच्छे से इन्वेस्ट करिएगा, और इन चीजों को ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ अपने स्टॉक्स को और फंड्स को रिसर्च करने में। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना, और आपको बेल आइकन तो ऑन करना ही है। और हाँ, जाने से पहले वो एस्ट्रोलॉजी की टिप तो दे दूँ आपको। एक एस्ट्रोलॉजी की टिप दोस्तों ये है कि आप ये मान के चलिए, अगर आपके शनि की दशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, तो आपको हमेशा SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा फायदा देगा। बल्कि आपने अगर उस टाइम पर ट्रेडिंग शुरू कर दी, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग ये राहु की कैटेगरी में आते हैं, जबकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सैटर्न यानी शनि के हिसाब से फिट बैठते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे आपको जरूर फायदा होगा। कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।